आज हमारा टॉपिक है एल्डरली नर्सिंग केयर. द फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट इज स्पेसिफाइड फॉर द केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल या एल्डरली इज नोन एज जीरियाट्रिक नर्सिंग. ओके, सो जीरियाट्रिक वर्ड का मतलब है एल्डरली या फिर ओल्ड एज पीपल, एंड उनके लिए जो नर्सिंग केयर डिज़ाइंड होती है उसको हम जीरियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं. ओके, सो इस जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर के यूनिट में हम सबसे पहले डील करेंगे कि हाउ डज दिस एजिंग हैपन्स. एक टाइम के बाद कैसे एक इंडिविजुअल में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अगर वो अपने आप होती है तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वो चेंजेस आते हैं. ओके, सो वील बी डीलिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ एजिंग. थ्योरीज ऑफ एजिंग में सबसे पहले हम डील कर रहे हैं प्रोग्राम्ड लॉन्गेविटी. प्रोग्राम्ड लॉन्गेविटी थ्योरी सेज दैट कि ऑफ द जीन्स इन द बॉडी आर सीक्वेंशली प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि एक टाइम के बाद वो अपने आप क्या करने लगते हैं, बॉडी फंक्शंस को लोअर करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, आप जानते हैं कि जीन्स जो हैं दैट हैव दी पर्टिकुलर ट्रेट जिसके बिहाव पर हमारी बॉडी के हर फंक्शंस, हर एक चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं. सो ये जीन्स इस तरीके से प्रोग्राम्ड होते हैं कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ टू गो डाउन ऑन फंक्शंस. ओके, सो दैट इज़ वन थियोरी जो सजेस्ट करता है कि कैसे एक टाइम के बाद एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और फंक्शंस बॉडी के अपने आप कम होने लगते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एंडोक्राइन थ्योरी. एंडोक्राइन थ्योरी सजेस्ट दैट कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी का दैट इज़ ऑपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ द हॉर्मोन्स. ओके, सो एक टाइम के बाद अपने आप ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, दैट स्लोज डाउन विच लीड्स टू द फंक्शनल इनएबिलिटी एंड दैट रिजल्ट्स इन एजिंग. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी. इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी जो होता है दैट सजेस्ट दैट कि एक टाइम के बाद बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप इस तरीके से स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए, मतलब उनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, एंड देन दैट कंसिक्वेंटली लीड्स टू एजिंग एंड डेथ. ओके, अगर इंडिविजुअल को कोई और डिजीज़ है, कोई और प्रॉब्लम है, तो दैट कैन कॉज देयर डेथ. ओके, इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे नेचुरली एक डेथ आता है या नेचुरली एक एजिंग के बाद डेथ होती है, दैट इज सपोर्टेड बाय दिस इम्यूनोलॉजिकल थियोरी कि क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम है, दिस इम्यून सिस्टम स्टॉप्स फंक्शनिंग या स्लोज डाउन नॉन फंक्शनिंग, मेकिंग द बॉडी वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, और इस तरीके से एजिंग और डेथ होती है इन द नेचुरल वे. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज वियर एंड टीयर थियोरी. वियर एंड टीयर थियोरी सजेस्ट दैट कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो सेल्स हैं वो अपने आप वियर होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खराब होना एंड टीयर होना, टूटना, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि सेल्स का एक लाइफ स्पैन है या टिश्यूज़ का एक लाइफ स्पैन है, एंड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि बच्चों में या अडल्ट में सेल्स डीजनरेट नहीं होते हैं, बट उसके लिए रीजनरेशन भी होता है बॉडी में, बट आफ्टर सम टाइम सेल्स डोंट रीजनरेट, इट ओनली डीजनरेट्स. ओके, सो इस वजह से धीरे 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 एजिंग प्रोसेस चलती रहती है, एंड व्हेन ऑल द सेल्स डीजनरेट और डीजनरेट टू अ हायर अमाउंट देन दैट लीड्स टू डेथ. ओके, नेक्स्ट थिंग इज रेट ऑफ लिविंग थ्योरी. रेट ऑफ लिविंग थ्योरी ये कहती है कि जितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल में ऑक्सीजन बेसल मेटाबॉलिज्म होता है उतना ही जल्दी उनका उतनी जल्दी उनकी एजिंग या डेथ हो जाती है. मतलब द हायर द ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म बेसल मेटाबॉलिज्म द शॉर्टर इज़ द लाइफ स्पैन, द अर्लियर द पर्सन बिकम्स एजड एंड दैट कैन लीड टू डेथ. ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस लिंकिंग थ्योरी. क्रॉस लिंकिंग थ्योरी कहती है कि देर आर क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स. जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं उसके बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं, एंड जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं एक पॉइंट के बाद वो हमारी नॉर्मल बॉडी सिस्टम के साथ हिंडर करते हैं, एंड दैट लीड्स टू सेल डीजनरेशन. ओके, एंड द लास्ट थ्योरी इज़ फ्री रेडिकल थ्योरी. फ्री रेडिकल थ्योरी ये कहती है कि जितनी ज़्यादा सुपर ऑक्साइड्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या ऑक्सीजन
ये फ्री रेडिकल्स जितने प्रेजेंट कितने जितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो फिर सेल्स में हिंडर करने लगते हैं, सेल के सेलुलर फंक्शनिंग में हिंडर करते हैं. एंड जब ये फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं देन दैट लीड्स टू अ हायर अमाउंट ऑफ सेल डीजनरेशन. और जैसे जैसे सेल डीजनरेशन बढ़ने लगता है एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा दिखने लगती है. एंड जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ती है एंड दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ. ओके, सो ये कुछ प्रोबेबल थियोरीज थे जो प्रपोज किए गए थे टू इंडिकेट कि हाउ एन एजिंग प्रोसेस स्टार्ट्स और हाउ एन एजिंग प्रोसेस प्रोग्रेस इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थियोरीज ऑफ एजिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ ईच एंड एवरी सिस्टम. और एक एक सिस्टम के साथ हम डील करेंगे कि उस सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि एजिंग के साथ साथ नेचुरली एक एक सिस्टम में किस तरीके से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, सेलुलर फंक्शनिंग किस तरीके से कम होने लगती है एंड हम क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्या एडुकेशन दे सकते हैं एल्डरली पीपल को ताकि उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी बेहतर रहे. ओके, सो नाउ फर्स्ट वील be starting with the most important system that is cardiovascular system. So cardiovascular system में heart या blood vessels के साथ क्या होता है कि जो heart के muscles हैं उनकी जो functioning है, ability है, stretching ability वो कम होने लगती है and automatically that leads to myocardial hypertrophy, then fibrosis होने लगता है. जैसे जैसे cellular numbers बढ़ते जाएंगे, hypertrophies और hyperplasias होते जाएंगे, वैसे वैसे chances हैं कि कुछ कुछ जगहों पे दैट मासेस स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दैट फॉर्म्स फाइब्रोसिस. देन वो नॉर्मल जो ओपनिंग है उनको स्नॉस करेंगे, बेसिकली वैल्व्स को वैल्व जो हैं उनकी ओपनिंग नैरो हो जाएगी जिसको हम सिनोसिस कहते हैं. एंड दिस विल आल्सो लीड टू डिक्रीज्ड पेसमेकर सेल्स. पेसमेकर जो नेचुरल पेसमेकर होते हैं उनके सेल्स में भी कमी आ जाएगी. सो पेसमेकर के सेल्स में अगर कमी आ जाएगी तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ऑफ द कार्डियक सिस्टम आल्सो डिक्रीजेस. सो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली द हार्ट फंक्शनिंग विल बी रिड्यूस्ड. ओके, देन उसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है या स्ट्रोक वॉल्यूम जो है जिस जो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एथेरोस्क्लेरोसिस हम देखते हैं जिसमें कैल्शियम और फैट डिपॉजिट्स होने लगते हैं आर्टीरियल वाल्व्स में भी और वेन के वीनस वॉल्व्स में भी. ओके, सो दिस इज सम डीजनरेटिव प्रोसेसेस दैट हैपन्स टू द इंडिविजुअल व्हेन दे बिकम एजड इन देयर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी मैनेज दिस सिचुएशन. वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू हैव रेगुलर सेशंस ऑफ एक्सरसाइजेस, टू स्टॉप स्मोकिंग अगर उनको हैबिट है तो. देन वी कैन आस्क देम टू हैव अ डाइट विच इज़ लो इन फैट एंड लो इन सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के इनटेक को कम करने से हम ये चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी में हाइपरटेंशन ना हो. फैट के इनटेक को कम करने से हम ये चाह रहे हैं कि उनको एथेरोस्क्लेरोसिस ना हो. ओके, स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है ताकि द लेसर द स्ट्रेस ऑफ अ पर्सन द मोर गुड विल बी देयर ब्लड सप्लाई. ओके, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हाउ स्ट्रेस फ्री द पर्सन इज़. देन रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. इसी बीपी मॉनिटरिंग के बिहाफ पर हम सॉल्ट के इनटेक को वैरी कर सकते हैं. नाउ दिस वॉज अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सेम इसी तरीके से जैसे हार्ट में था वैसे ही लंग के भी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. अगर आप कार्डिक सिस्टम को देखेंगे और पल्मोनरी सिस्टम को देखेंगे तो दोनों में आप देखते हैं कि मस्कुलर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गन्स दे कॉन्स्ट्रिक्ट दे रिलैक्स एंड इस तरीके से ही ये ऑक्सीजन और ब्लड को रिस्पेक्टिवली पंप इन एंड पंप आउट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो मस्कुलर फंक्शन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है. और क्योंकि मसल्स वीक होने लगते हैं, डीजनरेट करते हैं, इस वजह से इनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो जैसे हमने हार्ट में देखा उसी तरीके से यहाँ लंग में देखेंगे कि लंग प्रॉपर तरीके से अडल्ट
हुड के कंपैरेटिवली प्रॉपर तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट या रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम इंस्पिरेटरी रेट है या मैक्सिमम एक्सपिरेटरी रेट है वो कम हो जाती है. मतलब जितना ज़्यादा वो इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, वो रेट उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. एंड दैट इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ मसल वीकनेसेस एंड कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन की वजह से भी और मसल की वीकनेस, ये दोनों की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होता है. लंग का जो मास है, सेल डिजेनरेशन की वजह से लंग मास रिड्यूस होने लगता है और जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है. रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ओके, फोर्सफुली जब एक मैक्सिमम एक्सहेलेशन करने के बाद भी जो एयर रह जाता है लंग्स में, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम. क्योंकि एक्सपिरेटरी रेट कम है, इस वजह से फोर्स भी कम होता है एक्सहेलेशन का, तो रेसिडुअल वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है. ओके, एंड कफिंग एबिलिटी जो होती है, कफ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और कफिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है. अब कफिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी या फिर स्पूटम या कुछ भी अगर एक्यूमुलेटेड है, तो अगर कफिंग एबिलिटी अच्छी है तो वो कफ करके वो चीज़ बाहर आ जाएगी एंड देयर विल बी नो डिपॉजिशंस इनसाइड द चेस्ट या लंग्स. बट यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड एज में क्योंकि कफिंग एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, निमोनिया होने के, चेस्ट कंजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नाउ व्हाट कैन वी टीच देम, हाउ कैन वी हेल्प देम इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? हम उन्हें कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, स्मोकिंग की अगर हैबिट है तो वो क्विट करिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए. पानी पीने से, फ्लूइड इनटेक करने से, फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर और एनी अदर फ्लूइड्स विल हेल्प द पर्सन टू लिक्विफाई दिस स्प्यूटम और उसकी वजह से किसी भी तरीके का डिपॉजिशन कम होगा. ओके, इसके अलावा 65 या उसके ऊपर की एज के लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो ईयरली इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के वैक्सीन इम्यूनाइजेशन ले. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जेनेटो यूरिनरी सिस्टम. नाउ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में हम देखते हैं कि इफ़ द एजड पर्सन इज अ मेल, देन दे हैव द रिस्क ऑफ BPH, दैट इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, अ बिनाइन ट्यूमरस कंडीशन ऑफ द प्रोस्टेट, जब प्रोस्टेट सेल्स में हाइपरप्लेसिया हो जाता है. ओके, देन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी जो यूरिनरी अर्ज को होल्ड करने की या रोकने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. मतलब वॉलेंट्रली या अपनी इच्छा से वो यूरिनरी अर्ज को नहीं रोक पाते हैं और इनवॉलेंट्री उनका यूरिन क्या हो जाता है, पास हो जाता है. ओके, उसको हम इनकॉन्टिनेंस कह रहे हैं. फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, सेम इनकॉन्टिनेंस तो होता ही है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि पेरिनियल मसल्स बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इनकॉन्टिनेंस. ओके, मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में हम ऐसे चीज़ें इनटेक करने से मना करते हैं जो ब्लैडर को इरिटेट कर सकती हैं. कैफिनेटेड बिवरेजेस इनटेक करने से मना करते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ जो ब्लैडर इरिटेंट्स की तरह काम करें उसको हम अवॉइड करने के लिए एडुकेट करते हैं. साथ ही साथ हम उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहने जो ईज़िली मैनिपुलेटिव हो. ईज़िली मैनिपुलेटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि लूजन क्लोथ्स पहनना या फिर ऐसे लोअर्स पहनना जो बहुत जल्दी वो ओपन कर सकें, क्योंकि उनको इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, तो जब तक उन्हें सेंस होता है कि उन्हें यूरिन पास करना है, ओके, मिक्चुरेशन का जब उन्हें अर्ज होता है, तब तक, जब तक वो वॉशरूम तक जा पाते हैं, तब तक के लिए, क्योंकि इन इनकॉन्टिनेंस है, उनका यूरिन इनवॉलेंट्री तरीके से पास हो जाता है और जिस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है. ओके, सो हम उन्हें कहते हैं कि वो इस तरीके के कपड़े पहने जो ईज़िली उनसे ओपन हो सकें एंड उनको प्रॉब्लम ना हो. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज़ पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, कीगल्स एक्सरसाइज और ऐसे बहुत सारे पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस हैं जो उनकी एज में जो वो कर सकें, इस तरीके के एक्सरसाइज करा के हम उन्हें सिखाएं ताकि उस चीज़ से उनका जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और अगर मसल स्ट्रांग रहेंगे तो हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस में उन्हें काफ़ी हेल्प मिले और उनका यूरिनरी इनवॉलेंट्री जो पास होने वाला प्रॉब्लम है वो कम हो जाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है कि बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि जो GI की मोटिलिटी है, मतलब जिस रेट में फूड GI के एक एक पार्ट से
अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिस तरीके से डाइजेशन होता है, वो जो मोशन है जीआई का, मोटिलिटी है, वो कम हो जाती है. ओके, साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनकी टेस्ट में, स्मेल में, प्यास लगने में, थर्स्ट में, इन सब के जो सेंसेशन हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. एंड साथ ही साथ द पेशेंट हैज़ डिक्रीज सलाइवा. सलाइवा जो अडल्टहुड में था उतना सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि फंक्शनिंग लोअर है, और क्योंकि सलाइवा ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता इसलिए बहुत ड्राइनेस रहती है थ्रोट में, ईसोफेगस में, एंड इस वजह से उनको डिस्फेजिया होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग. नाउ यहाँ पे हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो बहुत अच्छे से पानी पिएं, डेंटल केयर अच्छे से कराएं, क्योंकि दैट ऑल्सो लीड्स टू सम टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और फाउल स्मेल, जिनकी वजह से टेस्ट नहीं आता है और खाने का मन नहीं करता है. सो वी एडवाइस देम टू गो फॉर प्रॉपर डेंटल चेकअप्स. ओके, देन आता है कि वी एडवाइस देम कि वो बहुत हाई फाइबर वाला डाइट लें, क्योंकि हाई फाइबर वाले डाइट से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हैं, ईजी डाइजेशन होता है. सो वी एडवाइस देम टू डू दैट. लो फैट डाइट लेने के लिए कहते हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पायरोसिस वगैरह होने के, बहुत ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस हैं. ओके, सो लो फैट, लो स्पाइसी फूड ये एडवाइस करते हैं, हाई हाई फ्लूइड डाइट एंड हाई फाइब्रस डाइट हम एडवाइस करते हैं. ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दिस हेल्प्स टू हैव अ गुड पोस्चर, एक अच्छे मूवमेंट के लिए ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, बोन डेंसिटी कम होने लगता है, कैल्शियम डिपॉजिशंस कम होने लगते हैं, एंड मसल वीकनेसेस आ जाती है, जॉइंट्स में डिजनरेशन होती हैं, और इस वजह से आप देखते हैं कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बेसिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने में, चलने में, बैठ के उठने में सब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. दे फील पेन ऑल्सो एट दी जंक्शन ऑफ जॉइंट. ओके, सो डेंसिटी, मसल स्ट्रेंथ, साइज़, ये सब कुछ लो है. जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसमें भी वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या एडुकेशन और किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं एजड लोगों को गुड पोस्चर के लिए. ओके, सो वी आस्क देम टू डू एक्सरसाइजेज रेगुलरली. रेगुलर एक्सरसाइजेज से मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी उनको. साथ ही साथ वी एडवाइज देम टू हैव गुड कैल्शियम डाइट. कैल्शियम डाइट से बोन डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा. कैल्शियम डाइट के साथ साथ हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो फिजिशियन से प्रिस्क्राइब किए हुए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें टाइमली, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट से भी उनका जो बोन डेंसिटी है वो थोड़ा बहुत रीगेन होने में मदद मिलेगी. ओके, सो today we did the physical aspects related to cardiovascular system, respiratory system, then the genitourinary system, gastrointestinal system and musculoskeletal system. हमने देखा कि इन systems में किस तरीके के problems आते हैं और किस तरीके से हम उन्हें कुछ education देकर उनकी conditions को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं. okay, ये था आज का topic. I hope आपको ये topic समझ में आया होगा. अगर आपको इस topic से related कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं. Thank you.